अभ्यास 11 ए का पहला सवाल, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जो ये चित्र में ओ है वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। कहता है रेखाखंड ए बी जीवा है, ये जो रेखाखंड ए बी है ये जीवा है, हाँ ये कथन क्या है हमारा सत्य है, क्योंकि ए बी जीवा है, ई एफ जीवा है। क्यू एफ त्रिज्या है, ये जो क्यू एफ कह रहा है ये क्या त्रिज्या है, नहीं, त्रिज्या जो होती है केंद्र से परिधि तक जाती है, तो यह कथन हमारा गलत होगा। ओडी त्रिज्या है, ओडी त्रिज्या है, देखिए केंद्र से परिधि तक जा रहा है तो यह हमारी त्रिज्या है। पीसी जीवा है, पीसी ये सिर्फ इतना पूछ रहा है, तो यह हमारी जीवा नहीं होती है, जीवा वो होती है जो परिधि को दो बिंदुओं पर छुए, यानी ये जो ई और एफ ये जीवा है परिधि को दो बिंदुओं पर छू रही है, फिलहाल ये पीसी जो है ये हमारी जीवा नहीं है, अतः यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धवृत्त में बने कोण की माप क्या होती है, कोई भी अर्धवृत्त हो तो ये इस कोण की माप क्या होती है, 90 अंश होती है, हमेशा 90 अंश होती है। प्रश्न नंबर 3, आकृति के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित कीजिए। तो देखिए ये जो नीचे वाला है ये हमारा लघु वृत्त खंड है, और ये जो है हमारा दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा वृत्त खंड, वृत्त का बड़ा वाला जो खंड है उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, तो उसे छायांकित कीजिए। तो छायांकित करना है हमको, तो ये जो बड़ा वाला वृत्त खंड है इसको हम छायांकित कर देंगे, यानी ये वाला जो है हमारा दीर्घ वृत्त खंड होगा, और ये जो नीचे वाला है ये वाला ये हमारा लघु वृत्त खंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकृत में ओ वृत्त का केंद्र है, ये क्या है वृत्त का केंद्र, आकृत में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्यखंडों के नाम लिखे, बाकी ये सब क्या है त्रिज्या, ए ओ ए ओ बी ओ सी ये तीन त्रिज्याएं हैं, तो इनसे त्रिज्यखंडों के नाम लिखे, कौन कौन से त्रिज्याओं से दो खंड बन रहे हैं, तो देखिए ओ ए और ओ बी से एक त्रिज्य यानी इन त्रिज्याओं का खंड यानी ये बनना है त्रिज्यखंड, और दूसरा ये वाला, तो इसका नाम होगा ओ ए ओ बी त्रिज्यखंड बनना है, और दूसरा त्रिज्यखंड है बी ओ सी यानी ए ओ बी त्रिज्यखंड बनना है ये वाला, और बाकी ये वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो आप अपने प्रकार में नाप लेंगे 2.5 सेंटीमीटर और ये हम वृत्त खींच देंगे जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है ओ, इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करना है, तो दो अर्धवृत्तों में विभाजित करना है तो इसकी हम व्यास रेखा बना लेंगे, व्यास रेखा जो होती है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो दो अर्धवृत्त हमारे बनकर तैयार हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है वृत्त का केंद्र है, ए सी बी कितने अंश का है, ए सी बी यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, अपने उत्तर के पक्ष में कार दीजिए, देखिए ये यहाँ पर कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, तो ए बी क्या होगा हमारा व्यास, और व्यास क्या होता है वृत्त को दो अर्धवृत्तों के रूप में बांट देता है, और जो ये वाला अर्धवृत्त के अंदर प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, समकोण होता है, यानी ये हमारा 90 अंश का होगा, तो कारण क्या हो लिखेंगे, अर्धवृत्त में प्रत्येक कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण, समकोण किसको कहते हैं जो 90 अंश का हो, समकोण कहते हैं, बना कोण समकोण होता है, ये हमारा आंसर हो गया। अभ्यास 11 ए द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।